और उसके बाद रेलवे ट्रैक किस तरह से जाम किया गया वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। और गंदे भी खाने पड़ेंगे इसलिए युवा और उसके बाद रेलवे ट्रैक किस तरह से जाम किया गया वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके में अग्निपथ उस संबंध में कोई ज्ञापन देने आए थे, इनको हमारे पुलिस जाब्ते ने समझाइश करने के बाद ही नहीं माने और वहाँ से ज्ञापन देने के बाद में यहाँ आके और उन्होंने रेल को रुकवाई है। तो अभी जाब्ता डिप्लॉय करके उनको डिस्पर्स कर लिया है। किस तरीके से पथराव भी हुआ है और किस तरीके से लाठीचार्ज करना पड़ा ना, ऐसा कोई नहीं, हल्का फुल्का बल प्रयोग करना पड़ा, उसमें किसी को नहीं खदेड़ा गया बेसिकली, और अभी शांति। ये लोग किस तरीके से रेल पर प्रदर्शन कर रहे थे, आग आग वगैरह ना, वो मेरे आने के पहले की बात है, मेरे आने के बाद में आपने देखा होगा। ठीक, अभी कुछ कह रहा जल्दबाजी होगी, अभी पता नहीं। आनंद सिंह जी, एक सूचना मिली थी और उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, क्या इन्होंने ज्ञापन दिया था जो सेना में स्कीम लागू की इसके बारे में,
और ज्ञापन देने के बाद इन्होंने रास्ता रोकने की कोशिश की, जिस पर इनको समझाइश भी काफ़ी की और उसके बाद इनको बिखेरा। तो क्या सर, कौन सी रेल थी और रोकी गई थी, उसके बाद में किस तरीके से पथराव भी हुआ? ट्रेन का कौन सी थी ये पता नहीं है, लेकिन हाँ इन्होंने रेल रोकने की कोशिश की थी जिस पर इनको बिखेरा गया। अच्छा, ट्रैक के ऊपर आग भी लगी? हाँ, ट्रैक के ऊपर उसके टायर पर आग लगी थी। सर, किसी को डिटेन वगैरह किया गया? हाँ, इसके संबंध में अभी पता करते हैं, डिटेन किया। थैंक यू सर। आज सुबह से किस तरीके से ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और पुलिस किस तरीके से समझाइश कर रही थी और उस दौरान क्या कुछ हुआ? लड़कों की जो मांगे थी उनको हमने शांतिपूर्ण ज्ञापन के लिए मैंने खुद ने जाके उद्यान में बैठे थे, 200-300 आदमी लड़के जो उद्यान में भी लकड़ियां तोड़ रहे थे, गमले फोड़ रहे थे, नाटक कर रहे थे। तो हमको ये लग रहा था कि ये नाटक करेंगे, बदमाशी करेंगे, फिर भी हमने समझाइश की। वहाँ पर भी इन्होंने काफ़ी हुड़दंग किया। उसके बाद में कलेक्ट्रेट के सामने इन्होंने रास्ता रोकने की कोशिश की, इनको समझाइश करके वहाँ से ज्ञापन दिलवाया। फिर यहाँ के ट्रैक पर इन्होंने वापस ट्रैक जाम कर दिया, फिर इनको यहाँ से भगाया। किस तरीके से यहाँ पर पथराव किया गया? पथराव किया, इनको भगाया, तो पथराव किया इन्होंने, लगी है एक दो स्टाफ की भी लगी है। सर, क्या नाम है और किस तरीके से आपको चोट आई, क्या कुछ प्रदर्शन कर रहे थे, क्या हुआ? तुम्हारा नाम है, जिला विशेष अखबार में पोस्टेड हूँ। तो भीड़ ज़्यादा उग्र होगी तो एडिंग साहब के साथ में आया था, भीड़ घटाने के लिए। ट्रैक पर भीड़ ज़्यादा जाम होने की वजह से हमने सर लाठीचार्ज किया, तो भीड़ वापस वो पत्थरबाजी करने चल गई, तो वापस पत्थर मर गए। आपको कहाँ चोट आई? कंधे पे। किस तरीके से पत्थर आ रहे थे, कहाँ कैसे किस तरीके से? ट्रैक पर जाम थे भीड़, तो ट्रैक पर पत्थर डाले हुए थे, तो सभी ने भीड़ ने आजम पत्थर ले लिया और सब पत्थर बरसाना शुरू कर दिया।